शहर के हुड़केश्वर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाली पिपला फाटा परिसर निवासी बिल्डर राजीव वैद्य के परिवार को अज्ञात आरोपी ने चाकू और बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया था। पुलिस ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए बड़ी ही सूझबूझ से और फिल्मी स्टाइल में 3 घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही बंधक बने परिवार को सही सलामत छुड़ाया है और बड़ी अनहोनी होने से बचाया है। पुलिस की यह कार्रवाई बड़ी ही काबिले तारीफ है। ये हुड़केश्वर पुलिस थाने के हद्दी में है, पिपला फाटा के पास इस वैद्य नाम के जो है उनके घर पे ये हादसा हुआ था। एक आरोपी यंग है, उसका नाम नहीं अभी तक पता चला, लेकिन उसको अरेस्ट कर लिया गया है। वो आदमी उनके घर में घुसा और कुछ लेडीज़ को उनके घर के बंधक बना लिया था। ग्राउंड फ्लोर पे हॉल में दरवाज़ा बंद कर लिया था और वो पैसे की मांग कर रहा था, करीब 50 लाख रुपये की मांग कर रहा था। ये पिछले 2 घंटे से ये चल रहा था। उसको थोड़े थोड़े पैसे दे के कुछ टाइम निकाल के कुछ प्लानिंग करने की हम कोशिश कर रहे थे, तो उस तरह से उसे कुछ पैसे दे दिए गए थे। लेकिन बाद में हमारे सब सीनियर्स ने यहाँ पे आके प्लान बनाया और फर्स्ट फ्लोर से हमारे DCP क्राइम सर जो राजमाने सर, उनके अगुवाई में एक टीम ने पहले फर्स्ट फ्लोर पर जो होस्टेज थे उनको रेस्क्यू किया और बाद में ग्राउंड फ्लोर में जिस रूम में वो एक्यूज था, वो आरोपी था, उसके साथ भी 3 लेडीज़ एक उसमें सीनियर सिटीजन थी, उनको भी उसको ओवरपावर करके उसको ताबे हिरासत में लिया गया है और वो सब लेडीज़ को सब सुरक्षित तरह से बाहर निकाल लिया गया है। इस वारदात में कोई भी गोलीबारी नहीं हुई है, किसी को कोई जख्मी नहीं हुआ है फॉर्चुनेटली, और आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी उसकी पूछताछ जारी है, उसका नाम वगैरह पता चलते ही उसका नाम क्या है, कहाँ से है वो और उसने ये सब क्यों किया, ये जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, वो मिलने के बाद आपको दे दी जाएगी। धन्यवाद। राजू वैद पेशे से बिल्डर है। दोपहर करीब 2:30 बजे वैद के घर में आरोपी बंदूक और चाकू लेकर घर में घुसा। उसने वैद परिवार को बंधक बना लिया और 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। इस बीच पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने की योजना बनाई, उसे अनजान रखने और परिवार को चोट न पहुंचाए इसलिए उसे उलझाए रखा और शोर में उसे 3 बार 2-2 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इसी बीच पुलिस ने फिल्मी स्टाइल से घर के ऊपर से अंदर जाकर पुलिस ने सतर्कता के साथ आरोपी पर जाल फेंक कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने की योजना कैसे बनाई थी इसकी जानकारी सहायक पुलिस आयुक्त नीलेश पाली द्वारा साझा की गई। आज दोपहर 2:30 वाजता 2:30 सुमारा मध्ये एक अज्ञात व्यक्ति तो घरात घुसून आमचे मित्र आमचे मोठे भाऊ राजू वैद्य हे घरी नसताना तो घरात घुसला। घरच्या लोकांना आमची वहिणी आणि पूर्ण त्यांचा परिवार यांना बंदिस्त केलं, त्यांना बंदूक लावली, चाकू लावली आणि त्याच्या चाकूच्या भरोशावर त्यांनी 50 लाख रुपयाची खंडणी मागायचा प्रयत्न केला। नंतर घरच्या लोकांनी भाऊंना फोन करून त्यांना सगळं हे साह्या प्रकार सांगितला। ते घरी आले असता पुलिसला कॉन्टॅक्ट केला, पुलिसच्या मदतीने त्याला 1.5 तास आम्हाला आणि पूर्ण परिवाराला ह्या गावकऱ्यांना आणि परिवाराला इतका मानसिक छळाला सामोरं जावं लागले आणि पुलिसांनी अप्रतिम प्रयत्न करून त्याला आपल्या जाळ्यामध्ये बंदिस्त केलं आणि त्याला तुमच्या समोरच आता त्यांनी अटक करून त्याला घेऊन गेलेले आहे। आरोपी करीब 1:30 बजे घर में घुसा और सभी बंधकों को करीब 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा, जिससे बाहर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि पुलिस ने बड़ी ही सूझबूझ और सतर्कता से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया और घर के सभी लोगों को सकुशल रिहा किया, साथ ही परिसर के नागरिकों को राहत की सांस ली। आज पुलिस की सतर्कता और सूझबूझ से बड़ी अनहोनी टली। शहर के हुड़केश्वर स्थित पिपला फाटा निवासी बिल्डर राजू वैद्य की फैमिली को जो है बंदूक की नोक पर अज्ञात व्यक्ति ने जो है बंधक बनाकर रखा था और 50 लाख रुपयों की मांग की गई थी। पुलिस ने पूरी सूझबूझ दिखाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन कर फैमिली को बचा लिया है, साथ ही आरोपी को अरेस्ट किया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।